क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन ने क्या बोला? इफ एफ इज अ फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इन टू एफ वाई, ठीक है, फॉर सच एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ जो एक्स और वाई ले सकते हैं नेचुरल नंबर ले सकते हैं, एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री, एफ ऑफ वन की वैल्यू थ्री है, हमें बोला है कि एक्स इज इक्वल टू वन से लेके एन तक का समेशन जो है एफ एक्स में वो 120 है. Also, it is given that sigma x is equals to 1 to n fx is equal to 120. What we need to find? हमें n निकालना है. तो चलिए एक काम करते हैं, हमें f1 दे रखा है. तो ये जो expression है, इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, x equal to y equal to 1 रख रहा हूँ. अगर मैं x और y को 1 1 रख देता हूँ, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1 plus 1 is equal to f of 1 into f of 1, ये बनेगा. f of 1 की वैल्यू 3 है, तो it would be 3 into 3 और 3 into 3 would result us 9. इसका मतलब यहाँ से f of 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9. f 1 9 है, f 2 9 है, ठीक है. अब अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो मेरे को वो दे रखा है उसमें x को तो रहने दू 1 और y को कर दू 2, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, f of 1 plus 2 बन जाएगा. f of 1 plus 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f of 1 into f of 2 according to this function, ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे पास है. देखो तो ये क्या बन जाएगा, f of 3 is equals to f of 1 3, f of 2 9, so it is equal to 27, ठीक है. अब मेरे को क्या दे रखा था, मुझे दे रखा था समेशन ऑफ दिस मच. चलिए x की जगह 1 रखते हैं तो बन जाएगा f of 1, x की जगह 2 रखते हैं तो बन जाएगा f of 2, x की जगह 3 रखते हैं तो बन जाएगा f of 3, तो x की जगह लास्ट में n रखना है तो इट वुड बी f of n. ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है, एंड आई नीड दिस पर्टिकुलर n. वैल्यूज प्लेस करके देखिए, f of 1 आ रहा है 3, f of 2 आ रहा है 9, f of 3 आ रहा है 27, और ये चलता जा रहा है n टर्म्स तक, ठीक है, और इसका सम दे रखा है 120. अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यार ये जो बन रहा है ना, इसमें अगर मैं इसका इससे रेशियो निकालता हूं तो आई विल गेट 3, ऐसे ही ये रेशियो जनरेट करता हूं तो इट विल गेट 3. इसका मतलब दिस इज अ जीपी, ये एक जीपी है, और जीपी की एन टर्म्स का सम दे रखा है 120. फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन क्या, कि सिंस वी नो दैट फॉर अ जीपी सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही होता है फॉर्मूला. वैल्यूज प्लेस कीजिए, a की वैल्यू कितनी है 3, r कितना दे रखा है 3, उसकी पावर n, n तो निकालना है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और ये जो सम दे रखा है क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 120. क्वेश्चन में दिस सम इज गिवन एज 120. अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 चला जाएगा उधर, तो इट वुड बी 240, तो 3 टाइम्स ऑफ 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 240. ये 240 और ये 3 लड़ भिड़ के 80 दे देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 raise to the power n minus 1 is equals to 80, so we can say कि 3 raise to the power n is equal to 80 plus 1, that is equal to 81. 81 can be written as 3 की पावर 4, तभी तो n निकलेगा, और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यू विल गेट n equal to 4. हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आंसर वुड बी 4. होपफुली दिस वुड बी क्लियर टू यू, अदरवाइज इसको रिवाइंड करने का ऑप्शन तो है ऐसे ही तुम्हारे पास. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, कुछ टर्म्स का सम दे रखा है 315, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर गिवन इज 5 एंड 2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना. मैंने सपोज किया कि लेट द सम ऑफ, जो सम टर्म्स बोला हुआ उसको एन मान लिया और हमें वो एन ही निकालना है, तो लेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन एज 315, for which a is given as 5 and r is given as 2. a और r दे रखा है, चलिए formulate कर लेते हैं. we know that sum of n terms of n gp is a r to the power n minus 1 upon r minus 1, यही होता है. अब sum कितना दे रखा है, 315, तो values place कर देते हैं, तो 315 is equals to a, a is 5, r, r is 2, तो 2 raise to the power n minus 1 upon 2 minus 1, तो ये 2 माइनस 1 तो 1 दे देगा, ये तो खत्म हो गया डिनोमिनेटर, 5 इसको कैंसिल कर देगा, तो विल गेट 63 ओवर हियर, तो विल गेट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 63, सो वी कैन रीराइट इट एज 2n इज इक्वल टू 64, 64 इज 2 रेस बी पावर 6, ये तो आपको पता है. जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट n इक्वल टू 6, तो पहली चीज तो क्वेश्चन में पूछी थी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आंसर वुड बी 6 टर्म्स है. अब मेरे को ये भी बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स लास्ट टर्म,
तो ठीक है, वी नो दैट लास्ट टर्म, सिक्स टर्म अगर मेरे पास टोटल है तो लास्ट टर्म क्या होगी, सिक्स टर्म होगी। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जीपी इट इज ए आर टू द पावर 5, ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू इज 2, तो 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 इज 32। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 160 एज अ लास्ट टर्म। सो दिस इज क्वाइट इजी, होपफुली क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। ठीक है, गिवन इज फर्स्ट टर्म इज 1, तो ए इज इक्वल्स टू 1, थर्ड टर्म मतलब A3 एंड फिफ्थ टर्म का जो एडिशन है इट इज गिवन एज 90। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म क्या होता है ए आर 4, इट इज गिवन एज 90। नाउ ए इज ऑल्सो 1, सो हियर विल हैव ओनली आर 4 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90, क्योंकि ए इज 1 तो 1 तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्या कि आर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी नीड कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो यहीं से निकल के आ जाएगा। तो चलिए दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक, और वी कैन से आर स्क्वायर को अगर टी मान ले तो इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी इज वॉट 90 अपॉन 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। सो आर स्क्वायर वुड बी माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा 9 और 4 36, तो ये हो जाएगा प्लस 360, और 360 में 1 और जुड़ेगा तो 361, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज हाउ मच, पता होना चाहिए, इट इज 19 इटसेल्फ, तो 19 डिवाइडेड बाय 2। सो आर की दो वैल्यूज निकलेंगी, क्या मतलब आर स्क्वायर की, एक तो आएगा माइनस 1 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 और एक होगा माइनस 1 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2। सो आर स्क्वायर वुड बी ये हो जाएगा आपके पास 18 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर वुड बी 20 बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस 10 वुड बी एलिमिनेटेड, सो वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 then r would be what, plus minus 3, so the required common ratio would be plus or minus 3। कुछ नहीं था, सिर्फ quadratic बनाना था और quadratic formula use करना था, hopefully समझ में आ ही गया होगा। चलिए the interesting one, एक और, the sum of three numbers in GP is इतना 56, तो let the numbers be, मैंने मान लिया a, ar और ar square, पहले पहली इक्वेशन में क्या दे रखा है कि इन तीनों का सम जो है वो 56 है, और ये भी बोला है कि अगर इन तीनों में से 1, 7 और 21 रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बनेगा वो एपी बनेगा। अब आपको निकालना है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं कि इन तीनों का जो सम है, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए कॉमन लेके कि 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है, यहां से इसको यही छोड़ते हैं एक बार के लिए, आगे देखते हैं क्या बोला। अब पहले नंबर में से 1 हटाना है तो वो बन जाएगा a माइनस 1, दूसरे नंबर में से 7 हटाना है तो वो बन जाएगा ए आर माइनस 7, तीसरे नंबर में से 21 हटाना है तो वो बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 21, यही बनेगा। जब इनको रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट किया तो दे विल रिजल्ट एन एपी, ये एपी में होंगे। तो एपी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेकंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड और सेकंड के डिफरेंस के इक्वल होता है, ये तो पता ही है एपी का। तो वी कैन राइट कि ए आर माइनस 7 में से माइनस करो ए माइनस 1, तो इट मस्ट बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए ए आर माइनस 7, ये तो पता ही अपने को एपी की प्रॉपर्टी। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा ए आर माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस 7 और ये प्लस 1, तो इट इज माइनस 6 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, ये माइनस 21 और ये प्लस 7, सो इट वुड बी माइनस 14। ठीक है, अब इसको सबको एक तरफ ले लेते हैं, अगर हम सबको एक तरफ लेके चले जाए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ए आर स्क्वायर तो है ही सही इधर, ये उधर से आएगा तो माइनस 2ar देगा, क्योंकि देखिए एक ar नेगेटिव में यहाँ है, ये ar पॉजिटिव वाला इधर आएगा तो इट वुड रिजल्ट माइनस ar, पीछे क्या आ रहा है ये माइनस a जो है जब इधर आएगा तो इट वुड रिजल्ट प्लस a, और ये जो माइनस 6 है ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 6, तो इट वुड बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक काम करते हैं, यहां क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है,
शुरुआत की तीन टर्म में, तो क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन, और इसको मैं इज इक्वल टू एट लिख देता हूँ, तो कोई परेशानी तो है ही नहीं। ये जो कॉन्स्टेंट था उसको सेकेंड साइड भेज दिया। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो आर निकालना है, तो एक काम करते हैं यार, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर वन थी, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 56 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इस ए को मैं नीचे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस सेकंड इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 56 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर मस्ट बी, सॉरी, इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 8। अब सब कुछ प्रोडक्ट में, तो ये कैंसिल होके 7 दे देगा अपने को, ये 1 दे देगा कैंसिल होके 8 से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर को, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इन RHS इज इक्वल टू 7 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। आई होप यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, अब तो क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, सबको एक तरफ ले लें, तो ये हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 6 जा 36 और ये है हमारे पास 15, तो हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से 6r इज कॉमन, हमारे पास बचेगा r माइनस 2, यहां से माइनस 3 विल बी कॉमन, सो बचेगा r माइनस 2, सो r माइनस 2 एंड 6r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यू विल गेट r इक्वल टू 2, जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट r इक्वल टू 1/2, रेशो आ गया। अब जब हमारे पास रेशो निकल के आ गया तो हमें क्या बोला था, हमें बोला था टर्म निकालो, तो चलो पहले तो रेशो आ गया ना, रेशो से ए भी तो निकालें, ए तो निकाला ही नहीं अभी, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, देखो कि पहली इक्वेशन में था ए इज इक्वल टू 56 अपॉन 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो ए निकालते हैं पहले, तो ए इज इक्वल टू 56 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, यही था, ठीक है। अगर मैंने इसमें आर की वैल्यू 2 रखी, यहां पर पहला केस ले रहा हूं, इफ आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 रखो तो ये 4 6 और 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, दिख रहा हो तो तुमको साफ साफ, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू 1/2, 1/2 रख के देखो, आर इक्वल टू 1/2 पे देखो क्या होगा सिनेरियो, 56 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, यही बनेगा। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लो तो यू विल गेट 4, 4 से ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 7/4, नीचे वाले का टर्म आया 7/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो इट वुड रिजल्ट 32। कैसा आया 32 मैं बताता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है 56 अपॉन 7 अपॉन 4, तो अपॉन जो 4 था वो इंटू 4 हो गया ऊपर जाके, और ये 56 और 7 लड़ भिड़ के 8 हो गए, तो 8 इंटू 4 32। अब हमारे पास ए भी आ गया और हमारे पास रेस्पेक्टिव आर भी आ गया, सो इफ ए इज इक्वल टू 8 एंड आर इज इक्वल टू 2, सो नंबर्स विल बी क्या बनेंगे, नंबर्स क्या क्या माने थे आपने, ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर माना था, तो ए 8, 8 इंटू 2 लिख देता हूं चलो एक बार, फिर 8 इंटू 2 स्क्वायर, तो नंबर्स वुड बी 8, 16 एंड 32। ये तो पहला केस हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, आर इक्वल टू 1/2 पे, वैसे तो हमें पता ही है कि जब ऐसी चीजें रेसिप्रोकल में आती है तो फिर क्या हो जाता है, नंबर्स केवल रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं, तो इफ ए इज इक्वल टू 32 तो आर की वैल्यू थी 1/2, तो नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए ए आर ए आर स्क्वायर, तो ए 32, ए इंटू आर करेंगे तो 16 और ए इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो 8, सो फाइनली नंबर तो वही आएंगे 8, 16 और 32, या फिर 32, 16 एंड 8। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए एक बार, हमको क्या दे रखा था कि नंबर्स जो थे उनका सम था 56, तो पहली इक्वेशन तो सम से अरेंज कर ली, जिससे ए से लिख दिया इन टर्म्स ऑफ आर, फिर क्या बोला 1, 7 और 21 रेस्पेक्टिवली हटाओ तो एपी बन जाएगी, तो पहले तो हटाया फिर एपी का रूल लगा दिया, किस वाली स्टेप में एपी का रूल लगाया था हमने, यहाँ पर तुमको साफ साफ दिख रहा है ये वाली स्टेप में एपी का रूल लगाया, डिफरेंस वाला, यहाँ ये डिफरेंस इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। उससे हमने क्या करा, ए और आर की इक्वेशन में से ए को एलिमिनेट कर दिया, R को फैक्टराइज करके सॉल्व किया, जो R की दो वैल्यूज आई उनके रिस्पेक्टिवली A की दो वैल्यूज निकाली और उनसे नंबर्स निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।